अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आतंकवादी जो अपने आप को टीवी पे आके प्रचार करने की बहुत कोशिश करता है, जिसका नाम है जाकिर नायक। पाकिस्तान ने हाल ही में इस घटिया व्यक्ति को अपने देश में आने की अनुमति दी। इस घटिया व्यक्ति के पाकिस्तान में जाने के बाद ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से भी मिला, और ऐसा माना जा रहा है कि ये इसकी मुलाकात ISI के अधिकारियों से भी हुई, और साथ में भारत को लेके और भारत के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार की गई। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ का पर्दाफाश करके समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल जाकिर नायक जैसा व्यक्ति भारत के लिए आने वाले समय में कैसे एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको पहले तो पूरा इतिहास जानने की आवश्यकता है, तो थोड़े से इतिहास को समझेंगे तो चीज़ें लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आपको आसानी से समझ आएंगी। 1977 में भारत के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुई थी। इस मूवमेंट का नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिम्मी नाम से भी जाना जाता है, ये मूवमेंट थी मुसलमानों के वेलफेयर के लिए। ये बनी थी कि भाई जितने भी मुसलमान वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए, सरकार से उस समय जितना जुड़ के NGO के तहत एक प्रकार का जो इनको सपोर्ट मिल पाए उसके तहत ये मुसलमानों के विकास के लिए एक संगठन बना था। लेकिन जब ये बना, ये भारत में अपनी गतिविधियां करता रहा, लेकिन उसी समय भारत का जो नेबर पाकिस्तान था, उस समय 1979 में वो सोवियत के खिलाफ अमेरिका के बिहाफ पे एक जिहाद लड़ने के लिए तैयार हो गया। 1985 यानी कि 1985 में मरकाज़ उद दावा वाल इरशाद नाम की एक संगठन को पाकिस्तान ने जन्म दिया। मरकाज़ उद दावा वाल इरशाद इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय इस संगठन, जिसको MDI के नाम से भी जाना जाता है, इस संगठन से जुड़े हुए थे कुछ ऐसे लोग जो उस समय पाकिस्तान के बिहाफ पर सोवियत के खिलाफ एक जिहाद लड़ रहे थे, और वो लोग थे हाफिज़ सईद। वो उनमें था जफरुल्ला खान, उसमें हाफिज़ सईद, जफरुल्ला खान के साथ साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम था मसूद अज़हर। ये सारे के सारे लोग मरकाज़ उद दावा वाल इरशाद के साथ जुड़कर पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर 1985 से सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ते रहे। 1988 में जब सोवियत का जिहाद ख़त्म हुआ, तो उस समय मरकाज़ उद दावा वाल इरशाद में जो कि हाफिज़ सईद था, जो कि उस समय एक ट्रेंड फाइटर था जिसने अफगानिस्तान के केस में फाइटिंग की थी, लड़ाई लड़ी थी, इंसर्जेंसी मूवमेंट करा था, उसी व्यक्ति को ISI ऑफ पाकिस्तान ने पकड़कर एक नया संगठन बनाने की कोशिश करी। 1989 में मरकाज़ उद दावा वाल इरशाद जो 1985 में बना था, उसी का एक आर्म्ड विंग लश्कर ए तैयबा बनाया गया। 1989 में जब लश्कर ए तैयबा बना, तो लश्कर ए तैयबा का उद्देश्य ये था कि हाफिज़ सईद को बोला गया कि जो आपने अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका के बिहाफ पर आपने जो अफगानिस्तान में किया है, अब उसको आप भारत के कश्मीर में कीजिए। 1990 के दशक में कश्मीर में टेररिज्म का जो एक पूरा एक साइकिल चला, जिसमें लश्कर ए तैयबा एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी और लश्कर ए तैयबा एक आर्म्ड विंग बनकर मरकाज़ उद दावा वाल इरशाद के बेसिस पे जब उसने आगे बढ़कर ये काम शुरू करा कश्मीर की घाटी में, तो 1990 के दशक में कश्मीर में उसने अपना दबदबा बनाया। जाहिर सी बात है कि उस समय कश्मीर में उसका कंपटीशन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको ISI पहले नर्चर करती थी, उससे था। ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस, जिसको वो नर्चर करती थी, उससे था। और साथ ही में कश्मीरियों का एक संगठन हिजबुल मुजाहिदीन जो बना था, उससे भी था। तो आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि 1990 के दशक में कश्मीर में लश्कर ए तैयबा तो एक नया प्लेयर था, लेकिन उसके क्योंकि कॉम्पिटिशन दूसरे लोगों के साथ भी थे, तो एक कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री का गठन पूरे 1990 के दशक में कश्मीर में हुआ। लेकिन लश्कर ए तैयबा, क्योंकि वो अफगानिस्तान के थिएटर में काम करके आई थी, लश्कर ए तैयबा क्योंकि उसने अफगानिस्तान के थिएटर में सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ा था और सोवियत की आर्मी को बुरी तरह हराया भी था, इस कॉन्टेक्स्ट में लश्कर ए तैयबा जो है एक सुपीरियर फोर्स बनकर उभरी वहां पर। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चाहे उस समय 1990 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन को, ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस को, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को, हरकत उल अंसार जैसे संगठनों को न्यूट्रलाइज तो किया, लेकिन उस समय जिस संगठन को हम टैकल नहीं कर पाए वो लश्कर ए तैयबा थी। वो लार्जर देन लाइफ बनती जा रही थी और उसकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी हमारे लिए एक प्रकार की डिफिकल्टी भी बनती जा रही थी। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये जो लश्कर ए तैयबा बन रही थी और चल रही थी उस समय 1990 के दशक में, और जो एक सुपीरियर फोर्स बन के ऑपरेट कर रही थी, ये एक हेडेक पाकिस्तान की ISI के लिए भी बन चुका था। इसी कारण से क्या हुआ कि 1999 में जब IC-814 का हाईजैकिंग हुआ, उस हाईजैकिंग के दौरान ISI ऑफ पाकिस्तान ने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो
उस समय बोली वो ये था कि उनको जो मसूद अजहर था उसका रिलीज चाहिए था। मसूद अजहर हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ था 1989 के बाद, और हरकत उल अंसार से जुड़े होने के कारण मसूद अजहर जो है 1994 में कश्मीर घाटी में आया था एक पोर्चुगीज पासपोर्ट लेके। और जब वो पोर्चुगीज पासपोर्ट लेके कश्मीर घाटी में आया था तो अनंतनाग में उसको बेसिकली एक ऑटो के चेज के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने अरेस्ट कर लिया था। 1999 में IC-814 के हाईजैकिंग के बाद मसूद अजहर को जब रिलीज कराया गया तो उसको रिलीज करा के जब पाकिस्तान लेके गए तो 2000 यानी कि 2000 वाला जो ईयर था उस ईयर में पाकिस्तान की ISI ने मसूद अजहर की मदद करते हुए जैश ए मोहम्मद का गठन किया। तो जैश ए मोहम्मद बनी थी लश्कर ए तैयबा को काउंटर करने के लिए, लश्कर ए तैयबा के राइजिंग इन्फ्लुएंस को अंडरकट करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि भाई लश्कर ए तैयबा को कि आप इकलौते एक ऐसे प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर ISI अपना पूरा दांव लगाएगा, जैश ए मोहम्मद भी है। और ISI ने जब दांव पूरा जैश ए मोहम्मद के ऊपर लगाया तो 2001 में पार्लियामेंट की घटना हुई और पार्लियामेंट के भारत पर एक अटैक भी किया गया जो उस समय जैश ए मोहम्मद ने ऑर्केस्ट्रेट किया। ये पहली बार था कि जब एक ऐसा संगठन जो कि पाकिस्तान द्वारा गठित किया गया था जिसने कि दिल्ली में आकर यानी कि कश्मीर घाटी के बाहर एक अटैक किया। ये गौर करने वाली बात है क्योंकि इसके बाद से पाकिस्तान की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में ISI की खास करके भारत और कश्मीर को लेकर एक बदलाव देखा गया। बदलाव अब समझने की कोशिश कीजिए। 2000 में सबसे पहले जब जैश ए मोहम्मद बना उसने, 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक किया, 2001 में एक और चीज़ हुई थी, 2001 में बड़ा महत्वपूर्ण 9/11 अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे जब टारगेट किया गया अलकायदा के दौरान। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुए उस समय भारत के अंदर जो ये संगठन जो मैंने आपको शुरुआत में बताई 1977 में बनी थी जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, इन लोगों ने जश्न मनाया, इन लोगों ने सड़कों पर उतर के मिठाई बांटी ये कहते हुए कि 9/11 के दौरान अमेरिका को जो सबक सिखाया गया वो बहुत ही सही सबक था। 9/11 की वजह से जब ये सिमी का व्यवहार इस प्रकार से देखने को मिला तो उसी समय 2001 में भारत की सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए सिमी को तुरंत बैन कर दिया। सिमी जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया थी उसका सारा कैडर बैन कर दिया गया, उसको एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, सिमी का सारा कैडर जो है वो एकदम अंदर अंडरग्राउंड जाकर छुप गया। अब देखिए दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि 2001 के 9/11 के बाद भारत ने भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाल के बोला कि देखिए हम आपको पिछले 3 दशक से बोल रहे हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी गहरी समस्या है, आप समझ नहीं रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब 9/11 आपके ऊपर खुद बीती तब आपको मालूम चला कि आतंकवाद जैसी समस्या क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट में इवेंचुअली ये हुआ कि 9/11 के बाद अमेरिका जब जागा सो के तो उस समय उसने पाकिस्तान पे दबाव डाला कि भाई आप अपनी पूरी आतंकवाद की जितनी भी इंडस्ट्री जो चलाते हैं उसको कम्प्लीटली बंद कीजिए। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में एक साल पहले 9/11 के 2000 के वर्ष में पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद का गठन किया था, उससे पहले लश्कर ए तैयबा थी। अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव ये था कि वो लश्कर ए तैयबा को क्या करे, खास करके वो तो इतनी पुरानी संगठन है, जैश ए मोहम्मद तो चलो नया बना है उसको तो कंट्रोल करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन लश्कर ए तैयबा एक बहुत पुराना संगठन है, पिछले 1 दशक से ऑपरेट कर रहा है, उसकी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी भी क्वाइट सक्सेसफुल रही है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब वो कश्मीर घाटी में आतंकवाद करता था। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर फाइनली क्या हुआ, 2001 में जब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से दबाव डाला गया कि आपको लश्कर ए तैयबा को टारगेट करके उसको बंद करना होगा, तो उस समय हाफिज सईद जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था उसने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर एक निर्णय लिया कि हम कुछ समय के लिए ऑपरेशंस अपने कश्मीर में बंद कर देते हैं। लेकिन ISI को दिक्कत ये थी, उसको ये पता था कि यदि लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद अगर खाली बैठा रहेगा तो कल को ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर ही और पाकिस्तान के ऊपर ना खतरा बन जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ हुई, ये हुआ कि उस समय ISI के अधिकारियों ने हाफिज सईद को पकड़कर उसका मुजफ्फराबाद में जो पूरी फैक्ट्री टेररिज्म की चलाई जाती थी पाकिस्तान के कश्मीर वाले घाटी में जो उसने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है वहाँ से उठाकर उसको वो लोग कराची ले गए। जैसे ही वो लोग कराची पहुंचे, कराची में एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसको पाकिस्तान ने अपना दामाद बना के रखा है वो उसको वहाँ पाला हुआ है, उसका नाम है दाऊद इब्राहिम, क्लिफ्टन हाउस में दाऊद इब्राहिम वहाँ पर रहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और ISI के अधिकारियों में कराची में बैठकर अगले 1 से 2 साल बड़ी गहरी वार्तालाप हुई। डिस्कशन ये हुआ कि भाई अब हमें क्या करना है। उस समय निर्णय ये लिया गया ISI के अधिकारियों के तहत कि क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है कि हम कश्मीर घाटी में कुछ नहीं करेंगे तो हम सारी की सारी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी शिफ्ट करके अब भारत की ओर लगाते हैं। अब हुआ क्या,
2002, 2003, 2004 तीन साल जब चर्चा की गई तो एक बहुत गहरा प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि भाई लश्करे तैयबा जो है वो अपने स्किल का प्रयोग करेगी, दाऊद इब्राहिम जो है वो अपने भारत में जो उसके नेटवर्क्स हैं पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, समाज में, इन सारों को लीवरेज करके वो इन्फॉर्मेशन लश्कर को और आईएसआई को देगा। आईएसआई क्या करेगी कि दाऊद इब्राहिम के इन सारी इन्फॉर्मेशंस के तहत भारत से जो मुसलमान यूथ है उनको इकट्ठा करेगी, उनको बिठाकर फ्लाइट में दुबई लाएगी, दुबई से उनको कराची लाया जाएगा, कराची लाकर उनको वहाँ पर बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देगा लश्कर ए तैयबा, ट्रेनिंग देगा हाफिज सईद और उसके जो एसेट्स हैं पूरे, और वो ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे वापस दुबई, दुबई से वापस अपने इलाकों में जाएंगे जहां से भी इनको उठाया गया था भारत में, और ये पूरे भारत में दहशत मचाएंगे, दहशतगर्दी करेंगे, आतंकवाद करेंगे। 2005 में इस पूरे प्रोजेक्ट को एक फाइनली एक फाइल बनाकर डिसाइड किया गया और इसका नाम रखा गया कराची प्रोजेक्ट। जब ये कराची प्रोजेक्ट फाइनली बना तो दाऊद इब्राहिम के सारे नेटवर्क्स का लीवरेज लेते हुए पूरे भारत के अंदर से, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, महाराष्ट्र गुजरात ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, केरला ले लीजिए, हर एक राज्य से मुसलमान बच्चों को एकजुट करके उठाया गया, उनको दुबई के थ्रू, उनको मस्कट के थ्रू, उनको अबू धाबी के थ्रू बेसिकली पाकिस्तान पहुंचाया गया। लश्कर ए तैयबा के जितने भी एसेट्स थे जिन्होंने शिफ्ट कर लिया था मुजफ्फराबाद बावलपुर से उठकर पूरे कराची में, वहाँ पर उन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। जब ये बच्चे वहाँ से वापस आए छोटी एक शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स लेके, उसके बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि ये बच्चे अब रेडिकलाइज थे, ये बच्चे जो हैं ये एकदम तैयार थे भारत में किसी भी प्रकार की हरकत करने के लिए। लेकिन इनको एकदम से हरकत करने के लिए नहीं लगाया गया। कराची प्रोजेक्ट का एक और मोटिव था, मोटिव ये था कि इन बच्चों को ट्रेन करके भारत बुला के यहाँ पर रख दिया जाए और इसके बाद इन बच्चों को ग्रेजुअली प्रयोग किया जाए। 2005 में जब कराची प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 2006 में एक साल के बाद जब ये रेडिकलाइज्ड ट्रेंड बच्चे वापस आए, इनके थ्रू एक संगठन बनाया गया भारत में और उसका नाम रखा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। जब 2006 में पीएफआई बना तो पीएफआई के तहत ऑब्जेक्टिव ये था कि ये रेडिकलाइज्ड ट्रेंड बच्चे जिनको ट्रेनिंग है आतंकवाद की हरकतें करने की, ये क्या करेंगे, अब समाज में जाकर और लोगों को एकजुट करेंगे। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा फेस बना, एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका उद्देश्य केवल ये था कि वो बेसिकली दूसरे लोगों के साथ जुड़कर और दूसरे समाज में मुसलमानों को एकजुट करेगा। ये जितने भी मुसलमान एकजुट होंगे पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत, इन सारे के सारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत हुए एकजुट मुसलमानों को एक संगठन के तहत लाया जाएगा, इनमें से चुना जाएगा कि और कौन से लोग हैं जिनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग पहुंचाई जा सकती है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक प्रकार का फिल्ट्रेशन स्टेज बन चुका था कि यहां पर फिल्टर किया जा रहा था कि कौन से लोग पोटेंशियल टेररिस्ट भी बन सकते हैं और कौन से लोग सिर्फ समाज में दहशत फैला सकते हैं। और क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से फिर से बच्चों को भेजा गया मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से पाकिस्तान, और वहाँ से जब ये बच्चे ट्रेन होकर फिर से वापस आते गए, ये सर्कल चलता गया। तो 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बनने के बाद 2007 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन मुजाहिदीन। 2007 में जब आईएम यानी कि इंडियन मुजाहिदीन बना, तो अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि 2007 में जो इंडियन मुजाहिदीन था वो निकला पीएफआई से। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने एक काम और किया इस 2006-2007 के बीच में, उन्होंने जितना भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंडियन मुजाहिदीन का काडर था, इस काडर में जो बैंड सिम्मी थी उसको साथ में जोड़ दिया। यानी कि जो सिम्मी का काडर 2001 से बैंड पड़ा हुआ था, जो अंडरग्राउंड पड़ा हुआ था, उनको अब एक रिसर्जेंस के लिए नया मौका मिल गया। तो सिम्मी जो थी वो पीएफआई से जुड़ गई, पीएफआई जो थी पीएफआई से निकला एक आईएम, आईएम बोले तो इंडियन मुजाहिदीन, और इंडियन मुजाहिदीन के थ्रू ये वो बच्चे थे जिनको एक शॉर्ट कोर्स कराची में देकर वापस भेजकर पूरे भारत में टेररिज्म के अटैक्स कराए गए। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि 2008 से लेकर 2016 तक अगले 8 साल भारत में विभिन्न प्रकार के सिटीज में इंडियन मुजाहिदीन के तहत अलग अलग अटैक्स होते रहे, इन्होंने अलग अलग स्लीपर सेल्स बनाए। 2016 तक भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी उसने ग्रेजुअली इंडियन मुजाहिदीन को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया। 2016-17 तक माना जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन के सारे ट्रेसेस भारत में ख़त्म हो गए थे। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि सिम्मी का सारा काडर पीएफआई में आ चुका था, पीएफआई एक एक्टिव संस्था थी।
आइडेंटिफिकेशन का काम चालू हुआ। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA है, ये दोनों संगठनों ने मिलकर उसके बाद PFI के एक एक काडर को समझने की कोशिश करी। 3 से 4 साल का समय लगा ये जानने में कि PFI का काडर और सिम्मी का काडर किस तरीके से मिला हुआ है और कैसे सिम्मी के सारे अर्स्टवाइल लोग PFI में जुड़ रखे हैं। जब ये पूरी डिस्कशन खत्म हुई, इसके ऊपर एक एनालिसिस खत्म हुआ, तो 2022 में फाइनली उस समय सरकार ने निर्णय लेते हुए ये चीज़ करी कि उन्होंने PFI के ऊपर भी बैन लगा दिया। तो सिम्मी खत्म हो गई थी क्योंकि वो PFI में आ चुकी थी, PFI से IM बन चुका था, IM को न्यूट्रलाइज किया गया। IM के न्यूट्रलाइजेशन के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इवेंचुअली PFI पे बैन लगा। जब PFI पे बैन लगा तो सिम्मी के काडर जो उसमें ऑलरेडी थे वो सारे के सारे फिर से अंडरग्राउंड हो गए। दो चीज़ें देखिए, 2022 में PFI के ऊपर बैन लग गया, इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान की बौखलाहट दो कारणों से थी। पहला कारण तो यही था कि भाई जो उसने PFI इतने सालों से नर्चर किया था वो बैन हो गया। उसकी दूसरी बौखलाहट ये थी कि 2019 में भारत ने अनुच्छेद 370 अपने संविधान से हटाकर कश्मीर को भारत का हिस्सा इंटीग्रली बना दिया, जो कि एक अड़चन बना हुआ था। अब क्या हुआ, जब ये हुआ तो उसके बाद लश्कर-ए-तैयबा ने एक नया काम किया। कश्मीर घाटी में लश्कर-ए-तैयबा ने एक नया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके तहत वो ऑपरेट करना शुरू करे, जिसका नाम रखा गया द रेजिस्टेंस फ्रंट। जैशे मोहम्मद जो थी उसने कश्मीर के अंदर एक और नया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके तहत वो कश्मीर घाटी में ऑपरेट करने लगी, जिसका नाम रखा पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, लश्कर-ए-तैयबा जैशे मोहम्मद पीछे हो गए, इन दोनों ने द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट का प्रयोग करके इनके थ्रू कश्मीर घाटी में टेररिज्म चालू किया। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों ने ये नए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए जब ये खुद एक्टिव थे। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जैसे ही भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया था, तुरंत उसके बाद भारत जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में जाकर पाकिस्तान के इस टेररिज्म के पूरे प्लान को भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तान को बेसिकली ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट करना चाहता था, और वो दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान किस प्रकार से लश्कर-ए-तैयबा जैश मोहम्मद जैसे संगठनों को सपोर्ट करते हुए आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तो लश्कर-ए-तैयबा पीछे हट गई, द रेजिस्टेंस फ्रंट आगे आ गया, वो सिर्फ नाम नया था, काम वही था। जैश मोहम्मद पीछे हट गई, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट आगे आ गया, नाम वही था, काम भी वही था, लेकिन सिर्फ ये है कि एक नई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिससे कि एक लोगों के आंखों में धूल चली जाएगी, देखिए अब जैश मोहम्मद तो कुछ कर नहीं रही। तीसरी चीज़, 2022 में मैंने आपको बताया कि PFI के ऊपर भी बैन लग गया। समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि जब PFI के ऊपर बैन लगा तो उस समय पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया कि भाई अब हमें कुछ और नया करना होगा, और इस कुछ नए करने के केस में अब क्या हुआ, 2023 में फाइनली एक साल के बाद PFI के बैन के पाकिस्तान ने एक निर्णय लिया कि हम एक व्यक्ति का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है फारातुल्ला गोरी। फारातुल्ला गोरी कौन है? फारातुल्ला गोरी बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़ा हुआ वो व्यक्ति था जो हाफिज सईद के बिहाफ पे इंडियन मुजाहिदीन सिम्मी और PFI को कराची में ट्रेनिंग दिया करता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको ये बात बताई थी कि 2005 में जब कराची प्रोजेक्ट बना था, कराची प्रोजेक्ट के बनने के बाद जब दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स का प्रयोग करते हुए जो बच्चों को यहाँ से एकजुट करके भारत के विभिन्न प्रकार के राज्यों से ले जाया जाता था पाकिस्तान, और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कराची में, तो वो जो उस समय का ट्रेनिंग कमांडर था लश्कर-ए-तैयबा के बिहाफ पे, उसका नाम था फारातुल्ला गोरी। फारातुल्ला गोरी के अलग अलग प्रकार के नाम हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, उसको अबू सूफिया के नाम से भी जाना जाता है, उसको डॉक्टर साहब के नाम से भी जाना जाता है, खैर हमें नाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फारातुल्ला गोरी जो है, पाकिस्तान ने सोचा कि अब हमें इस व्यक्ति का प्रयोग करना होगा। 2023 में क्या हुआ कि फारातुल्ला गौरी ने टेलीग्राम का, जो एक मैसेजिंग ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, इंस्टाग्राम का, इन दोनों का प्रयोग करने की कोशिश करी। उसने क्या करा कि इन दोनों का प्रयोग करते हुए पूरे भारत में उन सारे स्लीपर सेल्स जो कि सिम्मी PFI के बने हुए थे, जिसका नेटवर्क पाकिस्तान के हाथ में अभी भी था, उन सारों को बेसिकली पाकिस्तान ने फारातुल्ला गोरी के थ्रू टेलीग्राम इंस्टाग्राम का प्रयोग करते हुए रेडिकल लिटरेचर और मैसेजिंग भेजनी चालू करी। अब सवाल उठता है कि रेडिकल लिटरेचर यानी कि कुछ ऐसी पाठन सामग्री जिसका बेसिकली मिश्रण करके इस प्रकार से बनाया उसको भेजा जाए ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी खास करके पुराने स्लीपर सेल हैं, वो धीरे धीरे रेडिकलाइज हों, पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि फारातुल्ला गोरी ने टेलीग्राम के ऊपर कुछ ऑडियोज़, कुछ वीडियोज़ बना बना कर शेयर करने 2023 से चालू कर दिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और ख़ास करके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने, इन दोनों संस्थाओं ने
फारातुल्ला गोरी के इस टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर आए हुए जितने भी ऑडियो वीडियो मैसेजेस थे उन सबको इंटरसेप्ट करना चालू कर दिया। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि फारातुल्ला गोरी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने सबसे पहले जितने भी पुराने ये सिमी पीएफआई इंडियन मुजाहिदीन के जो स्लीपर सेल्स थे उनको ये बोलने की कोशिश करी कि नंबर वन, आप सबको एकजुट होना है, आप सबको जो है दोबारा से जिहाद लड़ना है। तो यानी कि उसने सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए भारत के अंदर जितने भी इनके अर्स्टवाइज स्लीपर सेल्स थे उनको ये मैसेज दिया कि अब आप उठ जाइए, जिहाद करने का जो है समय दोबारा आ चुका है। दूसरा, उसने साथ में ये भी बोलना शुरू करा उन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू सोशल मीडिया के कि भारत में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़िए, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने से भारत की जो विकास की गति है वो धीमी होगी। अब क्या हुआ, इस केस में उसने जितने भी इनके स्लीपर सेल्स थे उनको एक चीज़ ये बोलनी शुरू करी कि भारत में जितने भी इनके हाईवेज हैं, जितने भी लॉजिस्टिकल हब्स हैं और जितनी भी रेल नेटवर्क्स हैं, इनके ऊपर आक्रमण करके इनको तोड़ना पोड़ना, इनको गिराना शुरू करो। आप देखिए कि 2023 से पिछले 1.5 साल से लगभग भारत के अंदर एक रेल जिहाद चल रहा है। और ये रेल जिहाद क्या है, इस रेल जिहाद के तहत बार बार कभी पटरी के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ सामान रखकर ट्रेन को गिरा दिया जाता है, कभी स्लीपर्स को खोल दिया जाता है, कभी फिश प्लेट्स खोल दी जाती हैं, कभी रेल पटरी पे सिलेंडर लगाकर छोड़ दिया जाता है। और पिछले लगभग 2 सालों से यदि आप रेल मंत्रालय के डेटा को देखें तो रेल मंत्रालय ये कहता है कि 2023 में 83 इंसिडेंट्स ऑफ रेल सेबोटाज हुए। रेल मंत्रालय का डेटा ये कहता है कि 2024 में पिछले 9.25 महीने के अंदर 59 रेल सेबोटाज के इंसिडेंट्स हुए। ये सारे इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं, ये एक सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू हो रहे हैं। प्लान ये है कि भाई फारातुल्ला गोरी लोगों को उकसा रहा है, उकसा ये रहा है कि आप भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कीजिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि ये जाकिर नायक कहाँ से आया और इसका क्या रोल है। अभी देखिए 2023 से ये जो पूरा गेम फारातुल्ला गोरी का चल रहा है, इसके बाद पाकिस्तान ने हाल ही में जो अभी परसों उन्होंने जब बेसिकली इस व्यक्ति जाकिर नायक को बुलाया और इसकी मुलाकात कराई आला अधिकारियों से जो ISI के थे, इसकी मुलाकात करवाई फारातुल्ला गोरी से, हाफिज सईद से, इसकी मुलाकात के पीछे का रहस्य क्या है अब देखिए समझिए। जब ये व्यक्ति जाकिर नायक भारत में रहता था, इसने बेसिकली दो चीज़ें करी थी। ये एक TV चैनल चलाता था, उस TV चैनल का नाम था Peace TV, और दूसरा इसने एक संगठन खोल रखा था, संगठन का नाम था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के तहत ये व्यक्ति रेडिकल किताबें लिखता था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के तहत जो कि एक पब्लिकेशन हाउस था, ये पाठन सामग्री तैयार करता था जो बेसिकली पूरे भारतवर्ष के मुसलमान व्यक्ति और वर्ग को पहुँचाई जाती थी। इस पाठन सामग्री के तहत पूरे के पूरे भारतवर्ष में उद्देश्य ये था कि ऐसा लिटरेचर, सबवर्सिव लिटरेचर तैयार किया जाए जिससे कि लोग रेडिकलाइज हों। 2016 में जाकिर नायक की जब इन गतिविधियों के ऊपर कार्रवाई हुई, तब से ये भगोड़ा भागकर जो है उठकर मलेशिया में चला गया। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, ये भगोड़ा भाग तो चला गया लेकिन इसकी Peace TV जो थी उसके ऊपर बैन लग गया, इसकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो थी उसके ऊपर बैन लग गया। दिल्ली में एक इलाका है ओखला करके, आप ओखला के इलाके में यदि कभी वहाँ पर जाएं तो आप वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बहुत सारी किताब की दुकानें हुआ करती थी। खैर वो दुकानें तो बंद हो गई, लेकिन आज भी जो दुकानें हैं इन इलाकों में, इन सारे इलाकों में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की पठन सामग्री किताबें आपको अभी भी मिलेंगी। अब देखने की चीज़ क्या है, देखने की चीज़ ये है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान गया है। फारातुल्ला गोरी जो है वो टेलीग्राम इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स का ऑलरेडी प्रयोग कर रहा है। जाकिर नायक के पास बहुत सारा रेडिकल लिटरेचर ऑलरेडी है, उसके पास Peace TV के जितने क्लिप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, क्लिपिंग्स हैं, साथ में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के तहत बनी हुई किताबें, पठन सामग्री, मोनोग्राफ्स वगैरह ये सब हैं। अब होने वाला, आने वाले समय में ये है कि ये सारा जो सबवर्सिव लिटरेचर है जो बेसिकली जाकिर नायक के हाथ में था, ये अब सारा का सारा ISI को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ISI अब क्या करेगी कि जाकिर नायक के इस सारे पाठन सामग्री और लिटरेचर का प्रयोग करते हुए अब वो ये पाठन सामग्री और सबवर्सिव लिटरेचर सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू पूरे भारत के अंदर पहुँचाएगी। आने वाले समय में अब आप दो चीज़ें देखेंगे, सबसे पहला ये देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऐप्स के थ्रू
भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ देखिएगा कि जैसे जैसे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, इनका जो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स करने का बेसिकली एक प्लान है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। यानी कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट करना, भारत के लॉजिस्टिकल हब्स के ऊपर टारगेट करना, इसके साथ साथ इस पाठन सामग्री के थ्रू सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ग को रेडिकलाइज करना इनका उद्देश्य नहीं है। इस वर्ग के साथ जुड़ेंगे कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट, और इनका जो इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट का जो एक डेडली कॉकटेल बनेगा, आप आने वाले समय में देखेंगे कि इसके तहत माइक्रो प्रोटेस्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर अंदर अब आप देखिएगा क्या होगा, रेडिकल लिटरेचर भरपूर मात्रा में भारत में घुसेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के हाथ एक वो सोना लग चुका है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पीस टीवी, जो उसको हमेशा से आवश्यकता थी। दूसरा, आप चीज़ को ये भी समझिए कि पाकिस्तान अभी तक ज़्यादातर अपने वहाँ के सबवर्सिव लिटरेचर को भारत भेजा करता था। अब ये व्यक्ति का, जो जाकिर नायक जैसे आदमी का जितना भी लिटरेचर है, इसकी दी गई जितनी स्पीचेज हैं, जो कि ऑलरेडी आज की डेट में विश्व तौर पर प्रसिद्ध हैं कि भाई ये इतना रेडिकल बातें करता है, जब ये सारी स्पीचेज छोटे छोटे फॉर्मेट्स में बन बनकर भारत के अंदर इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू लोगों तक पहुंचेंगी, तो आप इसका पैन सोसाइटी रेडिकलाइजेशन का इम्पैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लार्जर गेम को समझिए। अभी भारत में 2025-26 के अंदर, 2 सालों के अंदर अंदर भारत में सेंसस की प्रतिक्रिया होने वाली है। सेंसस की प्रतिक्रिया के बाद जब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन होगा, तब इस डीलिमिटेशन के दौरान जो पूरे भारत के अंदर लोकसभा की सीट्स में और खास करके चुनावी सीट्स के अंदर जो बदलाव आने वाला है, इनको लेके जो माइक्रो प्रोटेस्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर करने हैं, ये उसका कार्य आज से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर जितने भी इस प्रकार के लेजिस्लेशंस आएंगे, चाहे वो सेंसस के लेके हों, चाहे वो NRC को लेके हों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके हों, या कोई भी ऐसी नीति हो जिसको ये लोग अपोज करना चाहते हैं, उसके लिए रेडिकलाइजेशन का काम, माइक्रो प्रोटेस्ट का काम अब से चालू हो चुका है। आने वाले समय में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन दोनों संगठनों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने की कोशिश है। मतलब एक प्रकार की दिक्कत भी है, मैं कहूँगा वो दिक्कत इस कारण से है क्योंकि इस प्रकार के सबवर्सिव लिटरेचर को रोकना और इस कंटेंट को फिल्टर करना ये बड़ा मुश्किल है। उसका मुश्किल होने का कारण ये है कि यदि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, जहाँ पर ये मैसेजेस आते हैं, तो ये सारे ओन करती है एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है मेटा। और अमेरिका इस समय तस से मस होने को तैयार नहीं है कि वो मेटा को ये बात बोले कि वो प्रकार के मैसेजिंग को ब्रेक करने की हमारे को टेक्नोलॉजी दी जाए, ताकि हम इस प्रकार से ये जो रेडिकलाइजेशन कैंपेन है उसको रोक पाएं। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस चीज़ को चाहेगा कि मेटा का प्रयोग करके उसके जो ऐप्स हैं उसके थ्रू बेसिकली जितना भी रेडिकलाइजेशन हो भारत में, वो उसके हित में भी है, क्योंकि वो भी एक कमज़ोर भारत देखना चाहता है। और साथ में जैसे जैसे ये इंटरनल रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, आने वाले 1 से 2 सालों में ये चीज़ बढ़ती जाएगी। इसका सबसे बड़ा पीक आपको दिखेगा लगभग 2027 के अंदर, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। तो आने वाले समय में रेडिकलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स, भारत के अंदर माइक्रो प्रोटेस्ट्स, ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली और बढ़ने जा रही हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के बाद पाकिस्तान के पूरे गेम का पर्दाफाश हो चुका होगा। अब आप समझ पाएंगे कि आने वाले समय में भारत की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर कितने बड़े संकट आने वाले हैं। धन्यवाद।